देखो पहले, सबसे पहले हमारे बाल बाल के हम पहले ये देखते हैं हमारी स्किन कितने लेयर्स बनी हुई है, कितने लेयर्स में बनी हुई है। आप लोग बताओ कितने लेयर्स में बनी है, अभी हमने बताया था। बोलो, तीन लेयर्स में। कौन कौन सी लेयर्स में बनी हुई है? कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। गुड। तो जो हमारी, हमने कहा था हमारी सारी चीज़ें ज़्यादातर हम लोग जो वर्क कर पाते हैं वो ज़्यादातर या डॉक्टर भी डर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर जिसको हम छूते हैं, वो सरफेस है जिसको हम इजली देखते हैं, समझते हैं, छू लेते हैं। बाकी जो डर्मिस को हम अंदर से छू नहीं पाते, उसको टच नहीं कर पाते हैं। तो डर्मिस में ही हमारे हेयर ग्रोथ होती है, वहीं पर हमारे फॉलिकल्स होते हैं। अब ये हेयर फॉलिकल्स क्या हैं, सबसे पहले हम हेयर फॉलिकल को समझते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स हैं तो होंगे तो ही हमारे बाल उगेंगे, अगर हेयर फॉलिकल्स नहीं हैं तो फिर बाल हमारे उसमें नहीं, कैटाजिन, टेलोजिन, एक्सोजिन, इसकी तीनों की मैं अभी भेजूंगी जब थ्योरी, तब आप पढ़ना इसको डिटेल में, और मैं स्क्रीन के साथ भेजूंगी तो उसमें सारी क्लियर हो जाएगा। तो एनाजन जो एज होती है इसमें बाल ग्रो करते हैं। ग्रो करेंगे कब तक? 4 से 5 साल तक। ये ग्रोइंग फेज होता है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और टेलाजिन, एक्सोजिन। अब जो एनाजिन है यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ये लाइव होते हैं, ये आपके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ब्लड से पूरे जुड़े होते हैं, ये पूरा जो आपकी नसें दिख रही हैं जहाँ पे ब्लड पहुँच रहा है इससे बिल्कुल जॉइंट है, ये लाइव हैं। एनाजन बिल्कुल लाइव होता है, यानी कि बढ़ने की ग्रोथ, इसलिए इसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं, ग्रोइंग फेज बोलते हैं। मैं हिंदी भी भेजूँगी ग्रुप में जब भेजूँगी, इसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग फेज। कैटाजन क्या होता है? ये जो होता है ये हमारी जो ब्लड वसल्स होती हैं उनसे डिसकनेक्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ से निकलने की बिल्कुल स्थिति में आ जाता है, और 1 से 2 हफ्ते तक ये इसी कैटाजन स्टेज में रहेगा। ठीक है, कैटाजन स्टेज में रहने के बाद फिर ये 1 से 2 वीक के बाद ये चला जाता है टेलोजन स्टेज में, जो कि ये है टेलोजन स्टेज में, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्लड वेसल्स से, जो हमारी जहाँ से ब्लड पहुँचाती हैं वहाँ से थोड़ा सा डिसकनेक्ट होता है, पर वो हल्की सी ग्रोथ में, यहाँ पे वो पूरा ग्रोथ करेगा। यहाँ पे हमारे बाल बढ़ने की सिचुएशन में रहते हैं, बढ़ते रहते हैं 5 साल जैसा हमने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे वो क्या होते हैं, थोड़े से ब्लड वेसल्स से छोड़ने लगते हैं, छूट जाते हैं, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से छूट जाते हैं, और इस स्टेज में ये 3 से 4 महीने तक रहते हैं। टेलोजन स्टेज में 3 से 4 महीने तक रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं ताकि हमारे न्यू हेयर्स आ सके, न्यू हेयर्स बन सके, तभी से वो निकले। जब वो न्यू हेयर्स बन जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, तब एक्सोजन आ जाएगा, जहाँ पे फिर से आप देख रही हैं एक नई ग्रोथ आ चुकी है जो कि बाल बना दी है, और ये बन के जब ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले बाल जो निकलने वाले होंगे उनको पुश कर देगी, तो ऊपर झड़ जाएगा और नई ग्रोथ आ चुकी होगी। तो ये हमारे बालों की 3 स्टेज होती है। ये तो हमारे सर के